जग माई हरि ने तो जन्म दे दिया, लेकिन जन्म के साथ ये पांच विकार भी दे दिए, पांच चोर भी दे दिए, काम क्रोध लोभ, लूट रहे हैं हमारी संपदा को, हमारी श्वासों को लूट रहे हैं, श्वास यूं ही खर्च हो रहे हैं और हम बाहर के धन को समेटे जा रहे हैं। जिसको छोड़ के जाना उसको तो बड़ी पकड़ रखे हैं और जिसको छोड़ना नहीं, जिसके पास जाना वहां हमारी कोई पकड़ ही। दाएं बाएं देखोगे, दाएं बाएं सिर्फ उतना ही देखना जितना जरूरी है, ऐसे पीछे उतना ही याद रखो जितना जरूरी है। फालतू का क्यों पीछे का याद रखना, आज वर्तमान में जियो, आज में जियो, कल गया सो गया। आत्मचिंतन मंथन करें कि हमारी तैयारी है कि नहीं। तुम अगर ईश्वर की तरफ ईमानदारी से चलना शुरू कर दिए तो जैसे परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आती है, ऐसे ही जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो सदगुरु की करुणा कृपा से वो दृष्टि, सदगुरु कृपा की, चरण दास गुरु कृपा की नहीं। मैं अभी अलवर राजस्थान गया था तो वहां पर अपना आश्रम है, तो वहां मेट्रो लाइन आने वाली है, तो थोड़ा शायद आश्रम का कुछ हिस्सा है तो देखने गए थे कि दाएं बाएं कहीं और जगह गुरुजी का आश्रम हो तो बनने लायक। पहाड़ था, चरणदास का आश्रम था, चरणदास जिनकी शिष्या सहजोबाई, नाम सुना ना, सहजोबाई का भजन, सहजो कारज संसार को गुरुबिन होत नाही, हरि तो गुरुबिन क्या मिले समझ ले मन माही। जिस सहजोबाई ने गाई कि राम तजो पे गुरु ना विसारो, गुरु के सम हरि का नो निहार, हरि को ना निहारो, निगुरा आदमी सोचेगा ये कैसी बात कर रही है। हरि तुलना की कि हरि, हरि ने मोस, हरि ने जन्म दियो जग माई, हरि ने तो जन्म दे दिया लेकिन जन्म के साथ ये पांच विकार भी दे दिए, पांच चोर भी दे दिए, काम क्रोध लोभ, लूट रहे हैं हमारी संपदा को, हमारी श्वासों को लूट रहे हैं, श्वास यूं ही खर्च हो रहे हैं और हम बाहर के धन को समेटे जा रहे हैं। जिसको छोड़ के जाना उसको तो बड़ी पकड़ रखे हैं और जिसको छोड़ना नहीं, जिसके पास जाना वहां हमारी कोई पकड़ ही नहीं है। गहराई से हम देखें, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मावलोकन करें कि इसी क्षण परमात्मा का बुलावा आ जाए तो क्या तैयार हो, क्या ऐसी तैयारी है कि चलो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी से कोई मोह माया नहीं है, न बच्चे से, न नाती से, न पोते से, न पत्नी से, न पति से, न पड़ोसी से, किसी से नहीं। क्या तैयारी है, बच्चे डरते वो हैं जिनका होमवर्क पूरा नहीं किया। हमारा होमवर्क हुआ है, आज अगर मृत्यु आ जाए और हम ऐसा सोचते अभी थोड़ी ना मृत्यु आने वाली है, अभी तो बहुत दिन है। बच्चा सोचता अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैं जवान होऊंगा, फिर शादी विवाह होगी, फिर मेरे भी बच्चे होंगे, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मरेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि मरते सिर्फ बूढ़े ही हैं, ना ना, मृत्यु तो प्रतिपल घट रही है, क्योंकि काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा और ना देखे जवान, सब मर रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, फिर जन्म रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म रहे हैं। सदगुरु कहते हैं दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, जानते हैं कि ये गफलत के हैं काम, फिर भी करते ही चले जाते हैं, लेकिन सदगुरु कहते हैं मरने वालों जरा ठहरो, अपनी अमरता का दीदार करके जाओ, तुम कौन हो। मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंश है। जरा उस तरफ भी निहारो, उस तरफ भी देखो, उस तरफ भी चलो, लेकिन मन मन ऐसा है कि अभी सत्संग चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर सत्संग में मन जो होता ना, फिर मन दाएं देखने लगता है, बाएं देखने लगता है, कौन आ रहा कौन जा रहा, तुम्हें क्या लेना देना, तुम सामने देखो। गाड़ी चलाते हो ना, उसमें
शीशा पीछे भी होता है, बैक मिरर होता है, बैक मिरर, एक दाएं होता है एक बाएं होता है और एक ऊपर भी होता है, लेकिन ऊपर के शीशे को नहीं देखता कोई, सामने बड़ा शीशा होता है उसमें ही देखना होता है। दाएं बाएं तो सिर्फ उतना ही देखो जितना जरूरी है, तुम यहाँ तो कोई गाड़ी चला नहीं रहे तो मैं दाएं बाएं देखने की क्या जरूरत है। बैक शीशा देखो तभी देखा जाता, उतना ही पीछे उतना ही देखो जितना जरूरी है, पीछे जो गया बचपन गया जवानी गई सुख गया दुख गया क्या जरूरत है पीछे जाने की। लेकिन मेरे को तो उसने ऐसा बोला था, मेरे को तो उसने ऐसा दुख दिया था, मुझे तो उसने ऐसा किया था, मेरे साथ उसने ऐसा किया था, ये पीछे देख रहे हो, क्या देखना पीछे, आगे ध्यान रखो। अगर गाड़ी चलाते समय बार बार पीछे देखोगे तो आगे टकरा जाओगे, बार बार दाएं बाएं देखोगे, दाएं बाएं सिर्फ उतना ही देखना जितना जरूरी है, ऐसे पीछे उतना ही याद रखो जितना जरूरी है, फालतू का क्यों पीछे का याद रखना, आज वर्तमान में जियो, आज में जियो, कल गया सो गया और आने वाला कल किसने देखा है, इसलिए वर्तमान में जीना, अभी में जीना, आज में जीना। और वर्तमान हमें सिखाता सदैव सम रहो, सदैव प्रसन्न रहो, तो पीछे क्यों देखना, पीछे मुड़कर क्या देखे, आगे बढ़ता चल, अपनी मंजिल है परमात्मा, ईश्वर का द्वार, उस तरफ चलो, उस तरफ यात्रा हुई है कि नहीं, उस तरफ की तैयारी हुई कि नहीं, नहीं हुई है तो फिर मौत से डर लगता है, बुढ़ापे से डर लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में देखते हैं ना, बुढ़ापा में डर लगता कि नहीं, किस किस को लगता कि बुढ़ापा आएगा तो डर, डरते बुढ़ापे से कौन कौन डरता, जरा हाथ ऊंचा करो। अच्छा कोई नहीं डरता, बड़े निडर हो आप, बुढ़ापे से इसलिए डरते क्योंकि देखते हैं ना बूढ़े शरीर बूढ़ा हो जाता है तो कभी इधर दुख रहा है, कभी इधर दुख रहा है, कभी इधर दुख रहा है, हैं किडनी सही काम नहीं करती, लीवर सही काम नहीं करता, क्योंकि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंख को रोशनी जा रही, कान की शक्ति भी क्षीण हो रही है, ऐसा शरीर जर्जर हो जाता है, असहाय हो जाता है, इससे भय लगता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, होना तो ये चाहिए कि ज्यों ज्यों हमारा जीवन आयुष्य बढ़े तो हमारी समझ भी बढ़नी चाहिए। लेकिन लोगों की आयु बढ़ जाती है लेकिन समझ वहीं की वहीं रहती है, बड़े हो जाते हैं लेकिन दिमाग से बच्चे की तरह रहते, उम्र 55 की लेकिन हरकतें बचपन की। तो थोड़ा सा आत्मचिंतन मंथन करें कि हमारी तैयारी है कि नहीं। जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई जो है हमसे दूर रहती है, और हम परछाई की तरफ चलते हैं तो परछाई हमसे और दूर जाती है, नहीं जाती। ये बड़ा सूत्र है, ऐसे ही हमारे जो सगे संबंधी है ना, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इनके जितने इनके पीछे भागोगे वो तुमसे उतने दूर होंगे। लेकिन तुम अगर ईश्वर की तरफ ईमानदारी से चलना शुरू कर दिए तो जैसे परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आती है, ऐसे ही जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब थे घर पे तो अपने भी करते थे परायों जैसा व्यवहार, अब तो पराये भी अपने जैसे लगने लगे, क्यों, जो ईश्वर का, जे तू मेरा होए रहता सब जग तेरा होए, तो वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जो मीरा की। आओ।